वेलकम दोस्तों, सभी का हमारे चैनल कानून की आवाज में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं एक लेटेस्ट वीडियो आपके सामने लेके आया हूं। लेकिन दोस्तों, लेटेस्ट वीडियो देखने से पहले अगर आपने अभी तक कानून की आवाज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा ले, जिससे आपको इस वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। दोस्तों आज बात करते हैं डाइवर्स, एक तरफा डाइवर्स किस प्रकार से ले सकते हैं, क्या ग्राउंड्स होने चाहिए, सारी चीजें आप इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। लेकिन इस वीडियो को जब तक आप अंत तक नहीं देखोगे, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पति पत्नी आपस में परेशान है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, विचार नहीं मिलने पर वो किस तरह से एक तरफा डाइवर्स ले सकते हैं, इस वीडियो में आप देखोगे। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अगर पत्नी पति को डाइवर्स देना नहीं चाहती है तो वो किस कंडीशन के आधार पर पति डाइवर्स ले सकता है, एक तरफा डाइवर्स किस तरह से ले सकता है। दोस्तों अगर पत्नी पति को डाइवर्स नहीं देती है, तलाक नहीं देती है, तो दोस्तों आप सेक्शन 13 में पारिवारिक न्यायालय में आप प्रार्थना पत्र पेश कर रही है। उस प्रार्थना पत्र में सारे ग्राउंड्स लेके आइए कि आप किस कारण से डाइवर्स लेना चाहते हैं। जब तक कोर्ट ये देखता है कि जब तक आप पूरे कुछ कंडीशन कोर्ट के सामने पेश नहीं करोगे, कुछ ग्राउंड्स आप कोर्ट के सामने पेश नहीं करोगे, तो कोर्ट किस आधार पे आपको तलाक देगा। क्योंकि आपको अगर आपके पति और पत्नी के बीच अनबन है, सारी चीजें हैं, पत्नी अपने पिता या अपने सास ससुर को खाना नहीं देती या उनसे रोज लड़ती है, या उस कंडीशन में आप उस जो प्रार्थना पत्र टाइप करोगे सेक्शन 13, उसमें सारी चीजें लिख के आना पड़ेगा। उसके साथ साथ ये भी करना पड़ेगा कि ये जो पत्नी है ये मुझे फोर्स करती है मेरे माता पिता से अलग रहने की, ये भी एक कंडीशन हो सकती है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है डाइवर्स लेने का। क्योंकि ये सारी चीजें आपको उस पिटीशन में लिखना पड़ेगा जब भी आप डाइवर्स प्राप्त कर सकते हो, जब भी आपको सेक्शन 13 में एक तरफा डाइवर्स मिल सकता है। इसी के साथ साथ सारी कंडीशन रखने के बाद में आपको हर चीज, जैसे पिटीशन में हर चीज आपने डाल दी कि इस कारण से मैं इनसे डाइवर्स लेना चाहता हूं, इस कारण से मैं तंग होकर इस पत्नी से या इस औरत से मैं डाइवर्स लेना चाहता हूं, वो सारी चीजें आपको उसमें लिखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ आपको जब भी आपको एविडेंस करानी होगी, क्योंकि सर्वप्रथम आपने प्रार्थना पत्र पेश किया सेक्शन 13 में, उसके बाद में नोटिस जारी होंगे जिस व्यक्ति से आप तलाक ले रहे हो। नोटिस जारी होने के बाद अगर वो तामील हो जाते हैं तो उनकी तरफ से भी वकील होगा। उसके बाद में जिससे आप तलाक लेना चाह रहे हो वह जवाब देगी कि मैं रहना चाह रही हूं, नहीं रहना चाह रही हूं, मुझे क्या कारण है, ये मुझे गलत तरीके से तलाक देना चाहते, जवाब में वो लिखेगी कि यह, वो ये भी कह सकती है कि ये दूसरी लड़की से अफेयर है, इस वजह से मुझे तलाक दे रहा है, मैं इसे इन्हें किसी प्रकार से तंग नहीं करती, किसी प्रकार से इनके माता पिता को खाना देने से परेशान नहीं करती, सारी चीजें वो जवाब में दे सकती है। अगर ऐसा देती है तो आपको तलाक लेना मुश्किल हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर पत्नी जवाब में ये कहती है कि मैं नहीं रहना चाहती हूं, मैं भी इनसे तलाक लेना चाहता हूं, आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा। इसके साथ साथ ये सारी चीजें आपको जिस प्रकार जो फाइल पेश होती है वो सारी चीजें इस प्रकार से चलती रहती है। उसके बाद में जवाब लेने के बाद आपको अपने पक्ष की तरफ से कुछ एक ऐसी इंपोर्टेंस एविडेंस करवानी पड़ेगी, जैसे आपके अड़ोस पड़ोस है, अपने माता पिता है, जो जितने भी आपके अड़ोस पड़ोस, जितने ज्यादा आप एविडेंस कराओ नहीं करा सकते हो। एविडेंस में उस व्यक्ति को एक एक आना पड़ेगा कि मेरी सारी चीजें आए दिन, जिस दिन से शादी हुई हम देखते आ रहे हैं, पड़ोसी कहेगा, कोर्ट के समक्ष बयान देगा, सारी चीजें देखने के बाद माता पिता भी ये कहेंगे, उनकी एविडेंस होगी कि हमें हमारे बच्चे से अलग रहने के लिए ये जिद करती है, सारी चीजें उस जवाब उस एविडेंस में उनको देना पड़ेगा। इसके साथ साथ पत्नी भी एविडेंस ला सकती है, पेश कर सकती है, वो भी ये कह सकती है कि वो भी पड़ोसियों के साथ, अगर कोई पड़ोसी उसके पक्ष में तो वो भी एविडेंस करा सकती है। लेकिन
आजकल ये होता है कि अगर लड़का यहाँ का हो तो पड़ोसी एविडेंस नहीं देगा, क्योंकि ये आपसी मामला हो जाता है कि अड़ोसी पड़ोसी का। इस प्रकार से अगर दोस्तों इस प्रकार की कंडीशन होती है, अगर पड़ोसी आपके पक्ष में बयान देते एविडेंस करा लेते, तो कोर्ट ये देखती है कि इस लड़की के जरूर ना जरूर कोई ना कोई गलती होगी, उस आधार पर कोर्ट आपको तलाक की डिग्री दे सकती है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में इतना बताना चाहता हूं, अगर आपको आपकी पत्नी परेशान करे तो आप परेशान होने के बाद अगर तलाक लेना चाहते हो तो इस तरह से आप तलाक ले सकते हो, इस प्रकार से आपको कोर्ट तलाक दे सकती है। कोर्ट सारी जितने बिंदु उनको देखती है, उसके बाद में आपको तलाक दे सकती है। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में यह कहना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको अच्छा लगे तो इसको एक बार लाइक जरूर कर दें, और कुछ जानकारी पाने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।